सोच है नई उमंग है एक लहर है आई, नई सोच है नई उमंग है एक लहर है आई। साथ चला चल साथी, साथ चला चल साथी, साथ चला चल साथी, साथ चला चल साथी। आजा हाथ बढ़ा, आजा हाथ बढ़ा, आजा हाथ बढ़ा, आजा हाथ बढ़ा। गुड इवनिंग बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आपको? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। कैसे हैं आप सभी? सर जो हैं वो अभी आने वाले हैं, क्योंकि आज आपकी क्लास लेट स्टार्ट हुई है बिकॉज सर को कुछ काम था। बस सर अभी आने वाले हैं, तो आप सब रेडी हो जाइए, अपने अपने फोन को सेट कर लीजिए। उर्वा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने फोन को सेट करो, बिकॉज आपका फोन बहुत, आप फोन को लेके घूमते रहते हैं, पर्टिकुलर स्पेस पे रख दो इस फोन को। हेलो सर, आप सर म्यूट है। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर।
लक्ष्मण एंथम हो गया है? यस सर हो गया। ओके ठीक है, थैंक यू। सो बारहवीं है एंड ये लता कहाँ है? लता प्रियंका ये सब कहाँ है? यहीं पर है सर, क्लास में है, उनका वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑन करो भाई। भोलेश वीडियो ओपन करो अपना। एवरीवन वीडियो ऑन। भोलेश बाल कटवा लिया आपने? ऐसा लग रहा है भोलेश गुस्से में देख रहा है। भोलेश हेयर कट हो गया आपका? हाँ सर। किसने किया, आपने किया या बाहर से कराया? भैया ने मेरे। ओह वाह बड़ा अच्छा किया हुआ लेकिन। ओके ठीक है। लता प्रियंका जिसने वीडियो ऑन नहीं किया ऑन करो भैया। सर बारबी उर्वा वीडियो ओपन करो अपना। बारबी बारबी आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मैंने आपका वीडियो देखा था जो आपने बना के भेजा है। आप बोल तो अच्छा रहे हो लेकिन बहुत ज्यादा शेकी हो रहा है वीडियो आपका, हिल रहा है बहुत ज्यादा, समझ रहे हो आप बारबी? बारबी आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी मैं कह रहा हूँ आपका आपका वीडियो ना बहुत बहुत हिल रहा है, तो जो भी वीडियो बना रहे हैं उनको बोलो कि वो स्टिल रहे, ठीक है, और आपके आई लेवल पर है, अभी थोड़ा नीचे हो रहा है। बाकी शुरू में आपने अच्छा बोला है, अच्छा है वो। लास्ट में आपको ये नहीं बोलना कि 1098 एक सरकारी एक एनजीओ है, नहीं एक सरकारी योजना है। तो आप कम से कम इस फोन इस पे 1098 पे फोन करके ये लोग बच्चों की मदद करते हैं, सिंपल इतना बोलो, ठीक है। तो लास्ट में आप दो तीन ऑप्शन बोल सकते हो कि अगर आप कहीं पे किसी बच्चे को देखते हैं तो आप खुद उसकी मदद कर सकते हैं अपने लेवल पे, अगर वो भी नहीं होता है तो कम से कम आप 1098 इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, यहाँ के लोग बच्चों की हेल्प करते हैं, सिंपल इतना बोल। ठीक है ओके संजय आप। ओके ठीक है थैंक यू। संजय आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके ठीक है यार। लक्ष्मण इन्होंने कैमरा ऑन क्यों नहीं किया अभी तक? देखो बच्चों आपको हर क्लास में हम नहीं बोलेंगे कि आपको कैमरा ऑन रखना। आराध्या अपना कैमरा ऑन करो, आप प्रियंका कैमरा ऑन करो अपना। प्रियंका मम्मी क्यों ले प्लीज, तभी क्लास शुरू करूंगा मैं। आराध्या राउत आराध्या आवाज आ रही है आपको मेरी? आराध्या राउत प्लीज कैमरा ऑन करो। ओके कैमरे को सेट करो आराध्या, अपने कैमरे को सेट करो एक जगह, आप ऐसे रख दो आराध्या, ऐसे कहीं रख दो। आफरीन आप भी अपने फोन को ऐसे करो, ऐसे रखो। ओके चलिए तो शुरू करते हैं। अभी हम लोग शुरू करेंगे। ओके आपको जेली बीन वाली एक्टिविटी याद है? जेली बीन मैंने करवाया था, किस किसने किया है हाथ खड़े करो। कुछ लोग को नहीं पता। ओके सबने किया हुआ है? निकिता को नहीं पता। बैसाखी आपने किया हुआ है? लता आपने भी किया हुआ है? ठीक है ओके खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सो मुझे बताओ, मुझे अजय सूरज सूरज अजय इधर ध्यान दो। अजय और सूरज अगले 1.5 घंटे के लिए क्लास यहाँ चल रही है, ना कि आपस तुम दोनों के बीच में, ठीक है? ओके तो आप लोग मुझे बताओ कि स्ट्रिंग बीन क्या होता है? स्ट्रिंग अगर आपने किया है तो आपको याद होगा, देखते हैं किस किस को याद है। स्ट्रिंग बीन मतलब स्ट्रेच करना है, ऊपर जाना है, खड़े होना है एकदम, जैसे संजय ने कर रखा है। संजय को देखो अपने आप को स्ट्रेच करना है, पंजों पे आ जाना है, पंजों पे ऐसे नहीं रहेगा, पैर आपके ऐसे हो जाएंगे,
खींचना है अपने आप को, स्ट्रेच करना है, स्ट्रिंग बीन, ठीक है। और उड़वा हाथ ऊपर एकदम स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच, हाँ जितना हम कर सकते हैं। ओके, ब्रॉड बीन क्या होता है? ब्रॉड बीन, ब्रॉड मतलब चौड़ा, तो चौड़ा होना है आपको। बारहवीं को देखो, ब्रॉड बीन, अजय सूरज कम ऑन खड़े हो जाओ, अजय सूरज स्टैंड अप, बैठे मत रहो। ब्रॉड बीन आपको चौड़ा को चलना है, बिल्कुल चौड़ा होना है। आफरीन आप भी देखिए, ठीक है। ओके, डांसिंग बीन में आपको क्या करना है? डांसिंग बीन में आपको क्या करना है? डांसिंग बीन में आपको डांस करना है, ठीक है। ओके ओके ठीक है। और अगर मैं आपको बोलता हूं कार्टून बीन, तो आपको क्या करना है? कार्टून बीन में आपको कार्टून के तरह चलना है, कोई भी कार्टून हो सकता है, मोटू पतलू कोई भी। ओके, अगर मैं आपको बोलूंगा सिंगिंग बीन, सिंगिंग मतलब आपको सिंगिंग करना है, गाना गाना है। ओके, तो जो भी बीन का नाम मैं लूंगा आपको वो बीन बनना है। ओके, और जब जेली बीन बोलूंगा तो जेली बीन कैसी होती है? जेली बीन दिखाओ, जेली बीन, शो मी जेली बीन, ऐसे ऐसे एकदम ढीली ढीली सी, सॉफ्ट सॉफ्ट। ओके, सरस्वती समझ में आया आपको? चलिए खड़े हो जाइए, आफरीन खड़े हो जाइए, स्टैंड अप आफरीन खड़े हो जाइए। ओ चलिए, एंड ब्रॉड बीन, ब्रॉड खींचो अपने आपको साइड में, बड़ा करो, चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सरस्वती का हो। एंड वॉक करो, वॉक करो, वॉक करो, वॉक इन द रूम, वॉक इन द रूम, ब्रॉड बीन, वॉक करो, वॉक वॉक, कभी हम इधर जा रहे हैं, कभी हम इधर जा रहे हैं, कभी हम पीछे जा रहे हैं, कभी हम आगे जा रहे हैं, ब्रॉड बीन। एक्सक्यूज मी सर, सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने कौन सा बीन करने दिया? ब्रॉड, ब्रॉड चौड़ा बीन, स्ट्रेच साइड में। ओके, सबको देख सकते हो ना, देख के भी समझ में आएगा आपको। ब्रॉड बीन, ब्रॉड बीन, ब्रॉड बीन करते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। प्रशंसा, हाथ साइड में खींचो, हाँ साइड में खींचो, हाँ स्ट्रेच। ओके, जेलीबीन, 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 जेली, 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 जेलीबीन कैसे वॉक करती है? जेलीबीन कैसे वॉक करेगी? वॉक लाइक ए जेलीबीन, वॉक लाइक ए जेलीबीन, वॉक। आराध्या, वॉक लाइक ए जेलीबीन। प्रशंसा, वॉक लाइक ए जेलीबीन। जेलीबीन कैसे चलेगी? ढीली ढीली, लूज लूज, या ओके। डांसिंग बीन, डांसिंग बीन, डांसिंग बीन, डांस करना, फुल ऑन, फुल ऑन, फुल ऑन, फुल ऑन एनर्जी में, एनर्जी लगाओ, डांसिंग बीन है। यस, बैसाखी नाइस, गुड बैसाखी, गुड 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 संजय, नाइस डांसिंग बीन। प्रशंसा, नाइस गुड 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 लता, नाइस नाइस नाइस। डांसिंग बीन, अलग अलग डांस करना है अपने मन से। कार्टून बीन, कार्टून कार्टून, कार्टून बीन, वॉक लाइक ए कार्टून, एक्ट लाइक ए कार्टून। जो कार्टून बीन बोला मैंने, कोई भी कार्टून हो सकता है वो, मोटू पतलू, जोजो मोजो, कुछ भी। एक्ट लाइक ए कार्टून, वॉक लाइक ए कार्टून। प्रशंसा, कम ऑन, कोई भी कार्टून बन जाओ निकिता, किसी भी कार्टून की एक्टिंग करो, जो भी आपको पसंद हो। आराध्या आप भी प्रशंसा रुको मत, चलती रहो, चलती रहो, चलती रहो, चलती रहो। जी मैम ओके, ब्रॉड बीन, ब्रॉड ब्रॉड ब्रॉड, अगेन स्ट्रेच, मैक्सिमम स्ट्रेच, साइड में बिल्कुल बड़ा कर लो अपने आपको, कितना बड़ा हो सकते हो आप, कितने मोटे हो आप हो सकते हो। एंड वॉक, सोचो आप ऐसे ही होते तो कैसे वॉक करते। अलग अलग डायरेक्शन में चलो, वॉक इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, यस नाइस।
मोहित अपने आप को स्ट्रेच करना है, बड़ा करना है एकदम, साइड में हाथ पैर खोल के पूरा। निकिता वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सिंगिंग बीन, सिंगिंग कोई भी गाना गाओ जो आपको पसंद है। सिंगिंग बीन मोहित, सिंगिंग बीन में आपको सिंगिंग करनी है, आप सिंगर बन जाएंगे। जैसे संजय बना हुआ है अभी देखो, मस्त हो। गाना गाओ गाना गाओ गाना गाओ गाना गाओ गाना गाओ, जो भी आपको पसंद हो। आराध्या कम ऑन, आराध्या बैठना नहीं है बेटा, डोंट सिट। मेरी मेरी सभी, कुछ भी गाओ, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, मेरा गाना नहीं गाना, कुछ भी गाते रहो जो आपको पसंद हो। रुको मत सिरिया, सिरिया प्लीज डोंट स्टॉप। स्ट्रिंग बीन स्ट्रेच, लंबा हो जाओ, मैक्सिमम स्ट्रेच करो अपने आप को। स्ट्रिंग एंड वॉक, निकिता ऊपर की तरफ खींचो अपने आप को, हाथ खड़े करो ऊपर एंड लंबी जितना आप हो सकते हो। एंड वॉक एंड वॉक, वॉक करना है मोहित, वॉक, खड़े नहीं रहना। ओके ऐसे ही भागने की कोशिश करो, रन करो, कैसे कर पाओगे। स्ट्रिंग भी में रन करना है, स्ट्रिंग उर्वा उर्वा स्ट्रिंग करके ऊपर की तरफ हाथ खींच के अपने आप को लंबा करो, मैक्सिमम स्ट्रेच। आफरीन यस ओके। कार्टून बीन, कार्टून 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 कार्टून, जैसे बोलता हूँ वैसे चेंज करना है। नाइस सरस्वती, नाइस गुड गुड गुड। डायलॉग बोल सकते हो आप उसके, डायलॉग कार्टून के डायलॉग बोल सकते हो, उसकी आवाज निकाल सकते हो, उसकी एक्टिंग कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो आप। जेली बीन, अब जेली बन जाओ। जेली बीन, जेली बीन कैसी होती है, जेली बीन एकदम लूज सॉफ्ट। हाँ नाइस उर्वा, नाइस उर्वा, नाइस, आज आप अच्छे से कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं, वेरी गुड। डांसिंग बीन, डांसिंग बीन, डांसिंग 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 बीन। प्रशंसा ध्यान दो इधर, प्रशंसा ध्यान इधर दो बेटा, ध्यान क्लास में रखो। ओके जंपिंग बीन, जंपिंग जंप करने वाली बीन है जो जंप करती है, जंपिंग बीन, जैसे भी आपको जंप करना है वैसे जंप करो। जंप एज यू वांट, जंप 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 जंप, जंपिंग बीन। डांसिंग बीन, डांसिंग 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 डांसिंग, अलग अलग डांस एक्सप्लोर करो, क्या क्या डांस कर सकते हो। डांसिंग बीन प्रियंका, डांसिंग बीन बोला मैंने। ओके सिट डाउन, सिट डाउन सिट डाउन। सिटिंग बीन, जो ऐसी बीन, जेली बीन ऐसी है जो बैठी हुई है। बैठ जाओ। यश हो गया, यश देखो, यश का गाना नहीं खत्म हो रहा, यश हो गया बेटा, सिट डाउन। मोहित आपका फेस दिखना चाहिए, हाँ ठीक है ओके। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, लिसन केयरफुली। आपको वॉक करते करते जो आपका स्क्रीन है ना, मान लो ये स्क्रीन है तो ये आपका स्टेज है, ठीक है, तो ये हो गया उसका सेंटर। मैं अपने, अगर मैं आपके हिसाब से, आप अपने, ये क्या है, ये बिल्कुल सेंटर है, बिल्कुल बीच में है, स्टेज के बीच में है, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ बोलूंगा सेंटर में करो तो आपको सेंटर में करना है, मैं बोलूंगा आपको मेरे राइट में, आपका राइट क्या है, देखो आपका राइट कौन सा, किधर है, तो ये राइट सेंटर, राइट स्टेज हो गया। लेफ्ट स्टेज क्या है आपका, लेफ्ट, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया क्या, सेंटर। ओके अगर मैं इसको आगे ले आता हूं तो ये हो गया डाउन सेंटर, क्या हो गया, डाउन, नीचे की तरफ है, ये हो गया डाउन सेंटर। अगर मैं इसको पीछे ले आऊंगा तो ये क्या हो गया, अप सेंटर, बोलो बोलो क्या हो गया, अप सेंटर, ठीक है, ये हो गया सेंटर,
ठीक है, और आपका राइट, राइट करो, अपना राइट करो, राइट करो, ये राइट है, ये मेरा राइट, ये आपका राइट हुआ है, ठीक है, आपका लेफ्ट, स्टेज लेफ्ट, ओके। अगर मैं बोलूं लेफ्ट में डाउन तो कहां जाओगे? लेफ्ट में डाउन मतलब आगे, आगे आगे की ओर आना है। अगर मैं बोलूं लेफ्ट में अप स्टेज तो पीछे की ओर जाना है। अगर मैं आपको बोलता हूं, अब मुझे हाथ दिखाओ सेंटर में, सब लोग अपना हाथ सेंटर में दिखाओ, सेंटर दिखाओ मुझे, आपका सेंटर का है, एवरीवन आपका सेंटर, ओके। अब मुझे आप आपका राइट दिखाओ, राइट का, राइट आपका राइट जो स्क्रीन पे दिखना चाहिए, ओके। आपका लेफ्ट दिखाओ, लेफ्ट दिखाओ, ओके। ये आपका क्या है, लेफ्ट स्टेज। अब मैं बोलता हूं आपको, मुझे लेफ्ट में डाउन दिखाओ, लेफ्ट में डाउन स्टेज क्या है आपका? लेफ्ट में डाउन आगे आ जाएगा मेरा, ये है लेफ्ट में डाउन आगे आ गया, लेफ्ट में अप पीछे हो गया। समझ में आ गया सब कुछ? स्टेज समझ में आ गया आपको? सेंटर डाउन, ये सेंटर हो गया, सेंटर डाउन आ गया, आगे आ गया, ये सेंटर हो गया, सेंटर अप हो गया पीछे, ठीक है। अब हमें गेम खेल रहे हैं, ये साइमन सेज की तरह ही है, पापा कहते हैं ना, वैसा ही है, बट इसमें मैं स्टेज की बात करूंगा आपसे, आपको जो मैंने बताया अभी आपको याद रखना है। अब मैं आपसे बोलूंगा स्टेज डायरेक्टर सेज, डायरेक्टर सेज मतलब डायरेक्टर ने बोला, डायरेक्टर ने कहा, ठीक है। अब डायरेक्टर जो बोलता है हम वो करते हैं ना, अगर मैं आपको डायरेक्ट करूंगा तो आप मेरी बात सुनोगे ना, तो आपको मान लो कि मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूं और मैं आपको स्टेज के जिस एरिया में जाने के लिए बोलूंगा आपको वहां जाना है, ठीक है। अभी हम बैठ के करते हैं, अगर आप गलत जाओगे तो आप आउट हो जाओगे अभी, ओके। सीधा बैठो आफरीन, स्ट्रेट सीधा बैठो, ओके। डायरेक्टर सेज स्टेज लेफ्ट, डायरेक्टर सेज स्टेज राइट, सेंटर डाउन, सेंटर अप, सेंटर लेफ्ट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर बोला मैंने, राइट, सेंटर, ओके। अब मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा और मैं आपको कंफ्यूज करूंगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हो सकता है मैं बोलूंगा राइट और हो जाऊंगा लेफ्ट, लेकिन आपको अपने हिसाब से ही करना है, आपको अपना स्पेस पता है ना। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, आफरीन मुझे आपका फेस नहीं दिख रहा, थोड़ा कैमरा ऊपर की तरफ करो, ओके। डायरेक्टर सेज, प्रियंका खड़ी हो जाओ, मैं प्रियंका का वेट कर रहा हूँ, ये कैमरा सेट कर ले फिर शुरू करते हैं। सबको स्टेज का समझ में आ गया? हाँ, थम्स अप कर दो, समझ में आ गया तो नाइस, गुड 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 गुड, ओके। मैं पूछ रही थी कि क्या कर रहे हैं हम, लीव हो गए थे, नेटवर्क इशू हो रहा है इसलिए। मैं कह रहा हूँ आपको स्टेज का राइट लेफ्ट पता है जी, तो जो जो मैं बोलूंगा आपको वैसे करना है, जैसे पापा कहते हैं, बोलते हैं ना, इसमें डायरेक्टर, डायरेक्टर सेज है उसके बदले, तो जो हाँ जहां मैं जाने के लिए बोलूंगा आपको वो करना है, स्टेज के उस एरिया में जाना है, ठीक है, ओके। भोलेश खड़े हो जाओ, स्टैंड अप भोलेश, आई थिंक भोलेश का नेटवर्क गया, ओके ओके। डायरेक्टर सेज स्टेज राइट लेफ्ट लेफ्ट, संजय 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 संजय, ध्यान दो, अभी आउट हो गए आप, फोकस, ओके। डायरेक्टर सेज सेंटर, डायरेक्टर सेज सेंटर अप, डायरेक्टर सेज सेंटर डाउन, सेंटर अप, सेंटर, डायरेक्टर सेज लेफ्ट
राइट डायरेक्टर सेज सेंटर डायरेक्टर सेज स्टेज राइट उर्वा ध्यान दो अब मैं आउट करूंगा ठीक है जो गलती करेगा तो और आपसे खुद गलती हो जाए तो खुद ही बैठ जाना ओके ठीक है चलिए अब बैठ के करते हैं सिट डाउन बैठ के करते हैं अब अपनी बॉडी को मूव करेंगे बस ऐसे ओके डायरेक्टर सेज स्टेज अप स्टेज अप सेंटर स्टेज अप सेंटर स्टेज अप पीछे जाएगा पीछे गया ओके डायरेक्टर सेज स्टेज राइट डायरेक्टर सेज स्टेज लेफ्ट स्टेज राइट सेंटर डायरेक्टर सेज स्टेज अप ओ सरस्वती गलती हो गई सरस्वती आप गलती हो गए आप बैठ जाओ अब आउट 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 हो गए ओके अब आप देखेंगे कि कौन सही से कर रहा है कौन गलती से कर रहा है ओके डायरेक्टर सेज स्टेज लेफ्ट श्रिया पटेल आपका स्टेज लेफ्ट और मेरा एक सेम कैसे हो सकता है सर ओके डायरेक्टर सेज स्टेज सेंटर डायरेक्टर सेज स्टेज अप यश आउट सिट डाउन ओके डायरेक्टर सेज स्टेज राइट स्टेज राइट हाँ जी बोलो प्रशंसा बोलो प्रशंसा अजय भी पहले गलती किए थे ओके सूरज अजय मेरा ध्यान नहीं गया तो मतलब आप ध्यान दो गलती होगी तो खुद ही आउट हो जाना है ठीक है थैंक यू प्रशंसा ओके डायरेक्टर से स्टेज डाउन सेंटर डाउन ओके डायरेक्टर से स्टेज राइट डाउन डाउन मतलब आगे आगे की तरफ ओके डायरेक्टर से स्टेज सेंटर अप कहाँ है प्रियंका को समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है है प्रियंका आपने पहले की बात भी सुनी क्या ओके अच्छा मोहित आपका स्टेज राइट कहाँ है मैं एक एक से पूछता हूँ आपका स्टेज राइट ओके आपका स्टेज राइट डाउन कहाँ है डाउन डाउन यस नाइस आपका सेंटर स्टेज अप कहाँ है अप सेंटर स्टेज अप नाइस आपका सेंटर स्टेज डाउन कहाँ है नाइस गुड मोहित ओके लता आपका सेंटर स्टेज अप कहाँ है अप सेंटर स्टेज अप डाउन डाउन कहाँ है और सेंटर कहाँ है सेंटर राइट कहाँ है राइट राइट डाउन बताओ राइट डाउन बताओ लता आप अप चले गए अब अप होगा ये डाउन नीचे होगा आगे की तरफ डाउन होता है तो अभी जो मैंने आपको बताया ना स्टेज लेफ्ट स्टेज राइट ठीक है अभी जब भी कुछ हमको फ्रीज होना होगा ना रुकना होगा तो हमने मान लेना है कि ये मेरा स्टेज है तो मैं कभी स्टेज राइट में रुकूंगा कभी मैं स्टेज लेफ्ट में रुकूंगा कभी मैं सेंटर में रुकूंगा कभी मैं सेंटर डाउन में जाऊंगा कभी मैं सेंटर अप में जाऊंगा ठीक है तो आपके छोटे से स्पेस को आपको जया बातें नहीं आपके छोटे से स्पेस को आपको एक स्टेज की तरह यूज करना है ओके समझ में आई मेरी बात नाइस प्रियंका आपको समझ में आई मेरी बात अभी आप देख रहे थे क्या हो रहा है मतलब स्पेस हमारा लिमिटेड है लेकिन उसको हम यूज वैसे करेंगे जैसे स्टेज यूज करते हैं ये नहीं हम हर चीज सेंटर में कर देते हैं ना अभी नहीं अभी जब मैं बोल रहा हूं तो आपको अपना अलग अलग स्पेस को यूज करना है इंटेंशनली जानबूझकर
ताकि हमको अवेयरनेस रहे इस चीज की कि हम कौन सा स्पेस यूज कर रहे हैं। ओके ओके एवरीवन, चलिए ठीक है, खड़े हो जाइए। अब मैं आपको अलग अलग कैरेक्टर्स दूंगा, अलग अलग सिचुएशंस दूंगा, आपको उनके हिसाब से उस किरदार में आपको वॉक करना है, बिहेव करना है, और जैसे ही मैं आपको बोलूंगा फ्रीज, तो आपको स्टेज के अलग अलग एरियाज को यूज करना है, कभी स्टेज राइट कभी लेफ्ट, जितना भी स्पेस है ना उसको एक्सप्लोर करना है आपको। ठीक है, ये आज क्या करे अजीत गोविंद सब साथ में, आप लोग सेंटर गए हुए हैं क्या? प्रियंका सर ये लोग कथक सीखते हैं ना, तो उसमें बीच में से क्लास कर रहे हैं। ओके 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 ठीक है, ठीक है। ये प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं कथक में ना। ओके नाइस, गुड गुड गुड। जया और विनीता भी यहाँ पर शिफ्ट हो गए गुड़गांव। ओके ओके नाइस 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 गुड गुड। चलिए ओके, आपको एक टूरिस्ट की तरह वॉक करना है। आप टूरिस्ट हैं, आप कहीं घूमने गए हैं, जगह कहाँ है मुझे नहीं पता, वो आपके दिमाग में है। यू आर वॉकिंग, और जैसे मैं आपको स्टॉप बोलूंगा या फ्रीज बोलूंगा, आपको एक पॉज लेना है उस किसी मूवमेंट का। आप कुछ देख रहे हैं, पहाड़ देखा आपने या समुद्र देखा, एक कोई मूवमेंट होना चाहिए, अच्छा वाओ मूवमेंट, वाओ, उस पर आपको फ्रीज होना है और स्टेज का स्पेस का यूज करना है स्टेज के हिसाब से, कहीं भी नहीं। मैं पूछ सकता हूं आप कहां खड़े हैं, मैं किसी से भी पूछ लूंगा, आपको पता होना चाहिए आप कहां खड़े हैं। ठीक है, चलिए वॉक लाइक ए टूरिस्ट। आप टूरिस्ट हैं, आप कहीं घूमने गए हुए हैं, आप घूम रहे हैं, आपकी मनपसंद जगह पे घूम रहे हैं, एंड एक्सप्लोर करो आप क्या देख रहे हैं। आप जो भी देख रहे हैं मैं आपके भाव से समझने की कोशिश करूंगा आप क्या देख रहे हैं, तो मुझे समझ में आना चाहिए कहाँ घूमने गए हैं आप, क्या देख रहे हैं। चलिए उर्वा, आप कहीं घूमने गए हैं सब लोग, चलो श्रिया पटेल कम ऑन, आफरीन निकिता एवरीवन, आप कुछ देख रहे हैं, एक्साइटमेंट है, वो झूला दिखाई दे रहा है, वो पहाड़ दिख रहा है, वो बर्फ दिख रही है, ठंडी हवा चल रही है या गर्म है मौसम, ये आपको फील करना है कैसा है मुझे नहीं पता। इमेजिन करो आप कहाँ पे हो, क्या आपके पास कोई सामान है, क्या आपके पास कोई बैग है, क्या आपके पास पानी की बोतल है, आई डोंट नो, ये सब आप इमेजिन करो क्या क्या हो सकता है। सिरिया पटेल बेटा, सिरिया आप बार बार ना इसमें मत देखो कैमरे में, आप करते रहो अपना एक्ट, मैं आपको देख रहा हूं, बार बार कैमरे में मत देखो आप लोग, अपने किरदार को ढूंढो, अपने किरदार में रहो आप लोग, क्या देख रहे हो, कहां घूमने गए हो, पहाड़ी इलाका है, साउथ का इलाका है, नॉर्थ ईस्ट है, मुंबई है, गेटवे ऑफ इंडिया देख रहे हो, इंडिया गेट देख रहे हो, लाल किला देख रहे हो, पहाड़ों में गए हो, कहाँ गए हो, गर्मियों की छुट्टी में गए हो, सर्दियों की छुट्टी में गए हो, कहाँ गए हो, सब आपको सोचना है अपने। हाँ जी मेरा मूवमेंट हो, करते रहो करते रहो, एक चीज करने का रुकना नहीं है, करते रहो उसको, एक्सप्लोर करना सीखो। एंड वॉक 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 वॉक, देखो 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 देखो, इमेजिन इमेजिन इमेजिन, एंड 10 के काउंट में आपको फ्रीज करना है वाव मूवमेंट के साथ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्रीज फ्रीज एवरीवन, डोंट मूव डोंट मूव। मुझे सबकी पोजीशन देखने दो, मोहित ने बहुत अच्छे से एक एंगल को यूज किया है, प्रशंसा ने सेंटर यूज किया है, बारबी ने भी सेंटर यूज किया है, उर्वा ने सेंटर यूज किया है, आफरीन ने सेंटर यूज किया है, सूर्या ने सेंटर यूज किया है, निकिता ने स्टेज राइट यूज किया है, प्रियंका ने लेफ्ट स्टेज साइड में यूज किया है, यश ने भी राइट यूज किया है। ओके वॉक कंटिन्यू, नाइस कंटिन्यू अगेन एज ए टूरिस्ट,
सर्च समथिंग न्यू, कुछ नया देखो, एंगल आपका बदल जाएगा, आपका स्पेस बदल जाएगा, अब आप सेम स्पेस पे खड़े नहीं होंगे। कंटिन्यू वॉक, आप ऊंचाई पे हो तो नीचे देख सकते हो, नीचे हो तो ऊपर देख सकते हो। इमेजिन जो जो आपने ऑब्जर्व किया हो, जब आप घूमने जाते हैं तो आपकी ऑब्जर्वेशन में जो जो चीज रही हो, आप ग्रुप में गए हैं, अकेले गए हैं, फैमिली के साथ में गए हैं, फैमिली के साथ में गए तो आप किसी से बात कर रहे हैं, आप कुछ सामान भी खरीद रहे हैं, कुछ सामान देख रहे हैं आप अपने किसी दोस्त के लिए, मम्मी पापा के लिए कुछ सामान ढूंढ रहे हैं आप, बाजार लगा हुआ है वहां पे, सोचो जो आपको आपके शहर में नहीं मिलता, कुछ गिफ्ट लेके जाना चाहते हैं आप और आप ढूंढ रहे हैं दुकानों पर, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज दिख रही है, आप उनसे पूछ रहे हैं भैया ये कितने का है? एक बार और बताइए। मैं बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ बेटा, अभी आप लोग ना टूरिस्ट हैं और आप जहाँ पे घूमने गए हैं वहां पे कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, आपको गिफ्ट लेने हैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने दोस्त के लिए, और आप ढूंढ रहे हैं क्या मिल सकता है। चलिए 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 शॉप कीजिए, शॉप कीजिए, शॉपिंग 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 शॉपिंग, देखिए क्या है, और स्पेस का यूज भी करना मत भूलना, जो आप पहले स्पेस यूज कर चुके हैं उस स्पेस को अब यूज नहीं करेंगे, अब बदल जाएगा आपका स्पेस। वन टू, एक वाव मूवमेंट पे आपको एक एक्सप्रेशन के साथ में आपको फ्रीज होना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, फ्रीज फ्रीज। प्रियंका, जया फ्रीज, ओके, मोहित ने बड़ा अच्छे से यूज किया है, श्रवस्ती ने भी अच्छे से यूज किया है, श्रिया पटेल, बारबी नाइस, लता, बैसाखी गुड, सूरज, यश नाइस, प्रशंसा ने भी एंगल चेंज किया है, संजय ने भी, ओके नाइस गुड 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 गुड। अब आप थक गए हैं वॉक, आप बहुत थक गए हैं, आपको बहुत प्यास लग रही है और आप चल रहे हैं, चलते चलते आप थक जा रहे हैं, थक जा रहे हैं, थक जा रहे हैं, और आपको कुछ याद भी आ रहा है कि यार क्या क्या देखा था मैंने, क्या क्या देखना बाकी रह गया मेरा, एंड आप वॉक कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। अब मुझे थकावट भरा एक मोमेंट क्या होता है, वो मोमेंट मुझे फ्रीज चाहिए होगा, जब मैं फ्रीज बोलूंगा तब, तब तक आप चल रहे हैं और आपको स्टेज का दूसरा एरिया यूज करना है, सेम स्पेस नहीं। वॉक 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 वॉक, कहीं बैठ जाएंगे, पानी पियेंगे, थकावट भरा पल चाहिए मुझे आपकी, जब मैं आपको फ्रीज बोलूंगा तो। अभी नहीं, अभी आप कर रहे हैं, चल 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 रहे हैं, थक गए, पानी पी रहे हैं, भूख लग रही है, किसी की तबीयत भी खराब हो गई, चला नहीं जा रहा, एनर्जी नहीं है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, फ्रीज। थकावट भरा फ्रीज, निकिता फ्रीज, मुझे देखने दो सबको, ओके लता बैसा की गुड, प्रियंका वाला ग्रुप, जया नाइस, मोहित गुड गुड, ओ प्रशंसा नाइस वेरी गुड, यश बाप रे बाप इतना मुझसे चला चला जाएगा, ठीक है, बार भी तो खैर ढेर हो गया, ओके श्रिया की भी हालत खराब हो रही है, ओके वॉक 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 वॉक। आपने कुछ खाया, पानी पिया और आपके अंदर एकदम से एनर्जी आ गई, अब आप वापस जा रहे हैं अपनी कैब की ओर, अपनी बस की ओर, जहां से भी आपको वापस जाना है, और बारिश होने लगी, बारिश होने लगी रास्ते में, आप जा रहे हैं रास्ते में बारिश होने लगी, आपको जल्दी अपनी बस के पास पहुंचना है, पहले आपको बारिश में भी इंजॉय करना है, मजे भी करना है, आपके पेरेंट्स या आपके दोस्त आपको बुला रहे हैं कि आ जाओ जल्दी आओ, हो सकता है आपके पास छाता है, शायद नहीं है, क्या आपको भीगने में मजा आ रहा है या आपको मजा नहीं आ रहा, बारिश हो रही है और आप वापस जा रहे हैं अपनी बस की ओर, अपनी गाड़ी की ओर, वॉक 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 वॉक, क्या एनर्जी होगी,
वॉक 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 कौन का कौन से मूवमेंट में? अब बारिश हो रही है तो उसमें क्या मूवमेंट आएगा आपके हिसाब से? आप इसको एंजॉय कर रहे हैं या आपको बुरा लग रहा है? कोई मूवमेंट हो सकता है। बारिश तेज हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, आपके दोस्त, आपकी मम्मी, आपके पापा, आप जो भी हैं आपके साथ में, आपको बुला रहे हैं। आपका मन कर रहा है क्या कि मैं बारिश में नहाऊं घूमूं, या आपको डर लग रहा है? As you wish. One, two, three, four. स्टेज का मत भूलना। फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फ्रीज फ्रीज। अधिकतर लोग एंजॉय कर रहे हैं शायद इसको, मतलब बारिश को। अच्छी बात है, बारिश को एंजॉय करना चाहिए। नाइस 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 नाइस। ओके, वापस आ गए आप। अब आप अपनी बस में बैठ गए। अब अपनी बस में आपकी कैब है या बस है, जो भी है आपके हिसाब से, आप उसमें बैठ चुके हैं, बैठ चुके हैं। और अब मुझे आपकी साइड प्रोफाइल दिखनी चाहिए। साइड जैसे खिड़की से दिखता है ना, ऐसे ऐसे आप बस आगे की ओर है। साइड प्रोफाइल चाहिए मुझे आपकी। बीच बीच में आप बाहर देख रहे हैं, वादियां दिख रही हैं, क्या दिख रहा है मुझे नहीं पता। ठंडी हवा लग रही है, गर्म हवा लग रही है। साइड प्रोफाइल चाहिए। साइड, इसको साइड प्रोफाइल बोलते हैं इसको। और आप बैठे हुए हैं, बीच बीच में आप इधर देख लेते हैं सामने खिड़की की ओर। वैसे आप बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? आई डोंट नो। सोचो क्या होता है इस मोमेंट में। क्या आप खिड़की से बाहर देख रहे हैं? बस चल रही है, बस है या कैब है, जो भी है, जिस पे भी आप बैठे हैं। अब आपको वापस जाना है, अब वापस जाने वाले हैं। क्या आपको वापस जाने का दुख हो रहा है कि वापस जाना पड़ेगा, या आप इस सफर को भी एंजॉय कर रहे हैं? ये आप पे डिपेंड करता है। बैठ जाओ यश, बैठ जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ। जैसे सब बैठे हुए ऐसे बैठ जाओ। साइड प्रोफाइल दिखाओ, साइड, बीच बीच में आप सामने देख लेंगे बस। मुझे साइड प्रोफाइल से दिखाओ क्या कर सकते हो आप लोग, क्या क्या हो सकता है, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या आपको कुछ एक्साइटिंग दिख रहा है, या आप थक गए हैं, आप बोर हो गए हैं, क्या फोटो खींच रहे हैं, कुछ आपको दिख गया तो, क्या आपने कोई एनिमल देख लिया दूर कहीं, क्या आपको डर लग रहा है, या आपको थकावट हो रही है, या आपको अभी भी मजा आ रहा है? मूवमेंट आपको चूज करना है, मूवमेंट आपका होगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फ्रीज फ्रीज, डोंट मूव। नाइस नाइस, मुझे एंगल चेक करने दो एक बार बस। संजय ज्यादातर सेंटर यूज करते हो, थोड़ा डिफरेंट एंगल भी यूज करना है। मोहित अच्छे से एंगल्स यूज कर रहा है, बार भी अच्छे से यूज कर रहा है, यश भी अच्छी कोशिश कर रहा है, प्रशंसा भी। ठीक है। और अब आपका घर आने वाला है, आपका घर आने वाला है। सामने हो जाओ, सामने हो जाओ, सामने हो जाओ, फेस सामने दिखाओ। अब सोचो कि सामने से मुझे आपका एक्सप्रेशन देखना है। आपका घर आने वाला है, कुछ ही देर में घर आने वाला है आपका, जो आप वापस आने वाले हो। अब आप देख रहे हो कि ये बिल्डिंग तो मैं पहचानता हूँ, ये तो हमारे हमारे घर के पास ही पड़ती है, यह रास्ता तो मुझे दिखता है। घर आने वाला है आपका, कैब या गाड़ी जो भी है वो चल रही है, 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 एंड घर आने वाला है। आप घर आने के लिए एक्साइटेड हैं या उदास हैं? आई डोंट नो। क्या आपको घर वापस आके खुशी मिल रही है, या आपको दुख हो रहा है कि यार हॉलीडे खत्म हो गया और शायद और घूम पाते? क्या मोमेंट है आपका, चूज करो। आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन
एट नाइन टेन फ्रीज। अधिकतर लोग दुखी हो रहे हैं। ओके रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अधिकतर लोग दुखी हो रहे थे कि घर वापस क्यों आ गए। ओके ठीक है। अब आप लोगों को, अब आपको ऐसा मानना है कि आप ना अब थोड़ा सा और थोड़ा सा मुश्किल चीज करते हैं। अब आपको मानना है कि आप ना पेड़ है, पेड़ ट्री है, ट्री, और वो ट्री भी इंसान की तरह है। वो कहीं भी ऊपर नीचे चल सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, ऐसी कल्पना कीजिए। और आप वो पेड़ हैं, ठीक है। अभी आप ऐसा, अब आपके ना पोस्चर कैसे होंगे, आपके मूवमेंट कैसे होंगे, उससे आपकी आपके इमोशंस समझ में आएंगे। क्या वो हैप्पी ट्री है या वो सैड ट्री है? कैसे सैड में हम कैसे होते हैं, हैप्पी पे हम कैसे होते हैं? वो चीज आपको कोशिश करनी है ढालने की अपनी बॉडी के अंदर, अपनी इमेजिनेशन से, ठीक है। अभी आप सोचिए कि एक नॉर्मल ट्री है कोई, कैसा होगा दिखाओ मुझे। आप एक सिंपल ट्री हो, जस्ट खड़े हो सकते हो, बैठ सकते हो, एज यू विश। हवा चल रही है हल्की हल्की, आप थोड़ा थोड़ा मूव कर रहे हो। जब मैं आपको फ्रीज बोलूंगा तो आप फ्रीज हो जाएंगे। हल्की हल्की हवा चल रही है, आवाज भी निकाल सकते हो। फ्रीज, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फ्रीज। डोंट मूव निकिता, डोंट मूव बेटा। अभी सब सेंटर में आ गए, फिर से स्टेज भूल गए। स्टेज राइट लेफ्ट डाउन सेंटर मत भूलो, उसका इस्तेमाल करते रहना है, ठीक है। सर मैं राइट में थी। नहीं, अधिकतर लोग सेंटर में आ गए, मैं बोल रहा हूँ अधिकतर लोग भूल गए कि हमको स्टेज भी यूज करना है। ओके ठीक है। अच्छा जो लोग साथ में है ना, वो चाहे तो मिलकर के बना सकते हैं। जो पांच लोग हैं, पांच एक बड़ा ट्री बन सकता है। जो दो है, वो दो लोग मिलकर बना सकते हैं। जो सिंगल है, वो अपना अकेला बनाए। ओके, अब मैं ट्री को इमोशन दूंगा, सिचुएशन दूंगा, और आपको अपने अपने शेप से जैसा भी आप बनोगे उससे दिखाना है वो इमोशन, ठीक है। तो अभी आप लोग एक ऐसा पेड़ बनाइए जो बहुत हरा भरा है, बहुत खुश है, खूब हवा चल रही है और बहुत हेल्दी है पेड़, मतलब बहुत हरा भरा है। उसको खूब पानी, खूब खाद, खूब सनलाइट, सब कुछ बहुत अच्छा मिला है। बनाओ, मस्ती में है पेड़ अपने, मतलब ऐसा ट्री है कि खूब, मतलब एकदम हेल्दी ट्री बोल सकते हैं उसको। कैसे बनाओगे, बनाओ। रुबीना सज्जाद खड़े हो जाओ, बैठे बैठे मत रहो। सोचो एंगल ऐसा होगा या ये होगा या ये होगा, कैसे दिखाई देगा, एक्सप्लोर करो। ये नहीं कि मैंने ऐसे कर लिया तो बन गया, नहीं, सोचो और सोचो, अपनी लिमिट्स को तोड़ो। आप और भी कुछ नया कर सकते हो, एक्सप्लोर करो, फिर जो अच्छा लगेगा उसमें फ्रीज करना। यश सोचो और क्या हो सकता है, थिंक 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 थिंक, एक्सप्लोर। ऑफरिंग, आप अपना वीडियो ओपन कर लें अगर आपको क्लास करनी है तो। नाइस रूबी, लता बैसाखी, नाइस, गुड ट्राई, ट्राई करो ऐसे ही, नाइस। सोचो और क्या क्या हो सकता है, आप लोग बहुत, जो लोग साथ में हैं वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। नाइस अजीत, अजीत गोविंद, प्रियंका वाला ग्रुप, ओ वाओ, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके मुझे अब 10 के काउंट फ्री चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्रीज। भाई बहुत अच्छा ट्री बनाया है अजीत एंड प्रियंका के ग्रुप ने, और अफरी निशा सबने अच्छा ट्राई किया है, नाइस। सूरज, संजय,
गुड 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 लता नाइस गुड 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 अच्छा है आप एक कुछ ओके अब रिलैक्स हो जाओ रिलैक्स उतार दो भैया कौन है ऊपर ये प्रियंका कौन है ऊपर ये जया है कौन है आराम से केयरफुल 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 ओके अब आपको ऐसा ट्री बनाना है जिसको बहुत समय से पानी नहीं मिला सूख गया है एकदम सुनसान जगह पे कहीं ट्री है वो उसको पानी नहीं मिला खाद नहीं मिला अच्छे से सनलाइट भी नहीं मिलती अब ऐसा ट्री बनाओ ये कैसा ट्री होगा एक तरह से सैड होगा सैड ट्री अब सोचो सैड ट्री का शेप कैसा होगा बनाओ उसके पत्ते भी शायद झड़ गए हैं ज्यादा पत्ते नहीं है कमजोर हो गया है सैड है सैड वो पेड़ दुखी है कि मुझे पानी क्यों नहीं मिलता मुझे हवा क्यों नहीं मिलती यहां बारिश क्यों नहीं होती सोचो क्या हो सकता है सिर्फ एक चीज करके रुको मत एक्सप्लोर मैं बार बार बोल रहा हूं एक वर्ड एक्सप्लोर करो मैं ऐसे भी कर सकता हूं मैं ये भी कर सकता हूं मैं ये भी कर सकता हूं मैं ये भी कर सकता हूं मैं क्या क्या कर सकता हूं एक्सप्लोर करो एक ही चीज पे रुकना नहीं है अपनी लिमिट्स को तोड़ो अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाओ आपकी बॉडी कैसे कैसे क्या क्या कर सकती है बहुत कुछ कर सकती है आपकी बॉडी आपने कई सारे पेड़ देखे होंगे जो सूखे पड़े हो सूखे होते हैं सूख जाते हैं जो कुछ अगर देखा है तो उसको याद करो कैसे होते हैं वो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फ्रीज डोंट मूव हिलो मत प्रियंका वाले ग्रुप में हिलो मत लोग मुझे देखने दो सब लता वाला पेड़ लगता है बाकी में सैड है सरस्वती भी एंड मोहित नाइस वेरी गुड संजय गुड ट्राई ये पेड़ तो हंस रहा है अजीत वाला प्रियंका वाला पेड़ तो हंस रहा है हे हम तो बहुत अच्छे हैं ऐसा लग रहा है अब बारबी ने भी गुड ट्राई किया नाइस ओके रिलैक्स 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 कुछ लोग बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं मतलब वो जितना कर सकते हैं उससे तोड़ रहे हैं अभी बैठो मत बैठना नहीं है भाई अभी बैठना नहीं है रिलैक्स मतलब पेड़ जो टेढ़े मेढ़े आप बने तो रुक जाओ उसके लिए रिलैक्स बोला मैंने ओके अभी आपको एक 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 खूब छोटा सा जो कली नहीं निकलती है एक छोटी सी कली होती है पहले छोटा सा पौधा एक तरह से पौधा बनाना है छोटा सा प्लांट जो उभर रहा है धीरे 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 खिलने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे बड़ा हो रहा है धीरे धीरे छोटा सा है प्यारा सा वो बनाओ कैसा होगा सोचो छोटा सा प्यारा सा एक प्लांट है पौधा है जो बस धीरे धीरे उभर रहा है निकल रहा है बड़ा हो रहा है सोचो क्या क्या कैसे करोगे और थोड़ा सा उसको मूवमेंट देना धीरे से बड़ा ऐसे कुछ करके सोचो थिंक आपने छोटे छोटे देखे होंगे ऐसे पौधे छोटे छोटे से शेप कैसा होना चाहिए स्टेज में आप कौन सा स्पेस यूज करेंगे राइट लेफ्ट स्टेज सेंटर हमेशा सेंटर नहीं यूज करना मैं पर्पसली बोल रहा हूं आपसे बार बार ठीक है मैं एक मिनट पानी लेके आ रहा हूं आप लोग बनाओ आपके पास है अभी 30 सेकंड्स हैं ओके
ओके वन आपका फाइनल काउंट दे रहा हूं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फ्रीज. Don't move, don't move, don't move. Nice Barbie, Lata, Yash, Sanjay Suraj. Okay. Nice Sanjay, Mohit. Sabne acha try kiya yaar. Good, 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 good. Nice, nice, nice. Okay, relax, relax. Ab socho aap na. Aap एक ऐसा आपने वो घास देखी, घास ग्रास ग्रास आप वो हैं, आप वो हैं ठीक है, और बिल्कुल हरी है, बिल्कुल ग्रीन ठीक है, और बड़ी बड़ी घास हो आप, आपको इमेजिन करना कि आप वो घास हो, तो आपका शेप कैसा होगा, आप कितने बड़े हो, मतलब थोड़े बड़े हो ज्यादा बड़े हो, आप डिसाइड करो. आप ग्रास हो, घास, अपने आप को एज ए ग्रास इमेजिन करो और एक किसी स्टेज के कोने में अपने आप को प्लेस करो ठीक है. चलिए अभी तक जो स्पेस आपने यूज ना किया हो वो स्पेस यूज करना स्टेज का. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Freeze. एक घास अलग खड़ी हुई है बेचारी, यश सिंपल खड़ा हो गया वो. ओके नाइस, ग्रुप ने अच्छा फायदा उठाया, वो छोटी छोटी घासें लगती है ना ऐसा लग रहा है. ठीक है, रिलैक्स 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 रिलैक्स. ओके सब आ जाओ. अब आपको अपना फेस, अपना फेस और हाथ का यूज करके आपको एक फ्लावर बनाना है, एक फूल बनाना है ठीक है. वो कैसा फूल है, वो फूल मुरझाया हुआ फूल है, वो फूल मुरझा गया है, खिला हुआ फूल नहीं है, वो मुरझाया हुआ फूल है. कैसे दिखाओगे मुरझाया हुआ फूल, अगर आप फ्लावर होते और आप मुरझाए होते तो आप कैसे होते, वो देखो कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, एक्सप्लोर करो. ग्रुप वाले ग्रुप में कर सकते हैं. मुरझाया हुआ फूल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फ्रीज. फ्रीज फ्रीज
ओके, अधिकतर ने हाथ ऐसे या ऐसे यूज किए हुए हैं। ओके ठीक है, ओके चलिए रिलैक्स 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 छोड़ दो से। एक अब आपको ऐसा फ्लावर बनाना है जो खिला हुआ है, बहुत खिला हुआ है, उसको देख के दिल को खुशी मिलती है, खिला हुआ फ्लावर। फेस एंड हैंड्स को यूज करना है, कैसे करोगे? फेस एंड हैंड्स, सोचो आप खिले हुए फ्लावर हो, कैसे होते आप? आपके हाथ यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, कहां है, मतलब सोचो। एक्सप्लोर। नाइस प्रियंका, जया, गोविंद, गुड। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। फ्रीज फ्रीज। नाइस, ज्यादा लोग, जो ज्यादा लोग हैं उन्होंने अच्छा ग्रुप का यूज किया है। बारहवीं गुड, लता नाइस, संजय गुड, श्रावस्ती गुड, मोहित नाइस, ओके आराध्या नाइस, आफरीन। ठीक है रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। नाइस नाइस नाइस। तो ओके बैठ जाओ, सिट डाउन सिट डाउन। कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये चीज देखी हुई थी ना, कहीं ना कहीं तो देखा था आपने खिला हुआ फूल कैसा होता है, मुरझाया हुआ फूल कैसा होता है, देखा था आप लोगों ने कभी? किसने देखा था? ऑलमोस्ट सबने देखा होगा। यश इधर ध्यान दो। ओके मोहित आप बताओ मुझे, जो मैं आपसे पूछूंगा, मोहित जब मुरझाया हुआ फूल बनाया तो आपके दिमाग में क्या आया था, क्या दिखाना चाहिए आपको? सर एक बार रिपीट करेंगे सर? जब हमने कहा कि आपको मुरझाया हुआ फूल बनाना है तो आपने, आपके दिमाग में क्या आया, कैसा होना चाहिए मुरझाया फूल? सब ध्यान से सुनना। सर सबसे पहले तो मैंने अपने आप को फूल मान लिया था कि मैं फूल हूँ। अच्छा। यस सर, कोशिश ये कर रहा था कि मैं भी एक फूल ही हूँ। फिर मैं मुरझा जाता है तो उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, तो मैं वो वाले इमोशन लाने की कोशिश कर रहा था सर। एनर्जी, जो उसकी एक एनर्जी है, जो खिलखिलाहट है, वो खत्म हो जाती है, समझ रहे हो? ये सब वर्ड्स ध्यान दो, है ना, उसी से एकदम सब कुछ बदल जाता है। और खुश वाले में जो खिला हुआ फूल था उसमें क्या किया आपने? उसमें सर फिर मैंने ना जो खिला हुआ फूल मैंने कभी देखा था तो मैंने वो बनने की कोशिश किया मैंने, कि मैं खिला हुआ फूल हूँ। और उसके बाद जैसे कि हमें अच्छा लगता है जब खिले हुए फूल को देख करके, तो मैंने वो ही एक फूल में जो इमोशन था वो डाल दिया कि एक खिला हुआ फूल है तो उसे भी अच्छा लग रहा है, जब हमें देख करके उसे अच्छा लगता है तो उसे कितना अच्छा लग रहा होगा कि वो एक खिला हुआ फूल है, हंस रहा होगा वो। ओके ठीक है। लता ये बताओ, लता लता इधर ध्यान दो। लता ये बताओ कि हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि खिला हुआ फूल कैसा होना चाहिए, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, किन बातों को ध्यान में रख करके? सर खिला हुआ फूल कैसा होना चाहिए, सर हमने देखा है कि खिला हुआ फूल कैसे होता है तो हम उसके जैसे करेंगे तो वैसे ही होगा। तो देखा तो आपने, फूल तो बोलता नहीं है, बोलता तो नहीं है, तो आपने समझ कैसे लिया कि उसके अंदर क्या होगा, ये आइडिया कैसे लगाओगे आप? सर जैसे कि अगर वो खुश है तो फ्लावर देख के एक वो पूरा खिला खिला सा रहता है सर, एंड देन उसमें से एक अलग ही वो आता है, कलर्स आते हैं, एंड अगर वो सैड या कुछ है मतलब उसकी फीलिंग्स है तो सर वो देख के पता चल जाता है कि हाँ थोड़ा वैसा हो रखा है। ओके अच्छा बारहवीं ये बताओ। Yes, sir. जो हमने ट्री बनाया था ना, ट्री yes, sir. मैंने बनाया था कि एक
एक सैड ट्री है, तो आप डिसाइड कैसे करोगे सैड ट्री कैसा होगा? सैड ट्री हमें बनाने के लिए तो पहले हमारे दिमाग में उस सैड ट्री जो हमने देखा था उसका इमेज छपवा लेना होगा कि सैड ट्री होता कैसा है, और उसके बाद अब क्योंकि हम एक इंसान है तो हमारे अंदर मतलब फीलिंग जो हम स्माइल कर सकते हैं, सैड हो सकते हैं, तो उसके बाद हमें उस ट्री पे जो हमने अपने दिमाग में जिस ट्री का फोटो छपवा लिया था उसी ट्री में हमें इमोशंस डाल के देखने कि सैड ट्री कैसा दिखेगा, उसके सब ब्रांचेस कैसे होंगे, उसके उसका ट्रंक कैसा होगा, बस उन्हीं को देखकर और फिर हमें उस ट्री को फील करना होता है। आपने कोई सैड ट्री देखा था? आपने कोई देखा था कभी सैड ट्री ऐसा? क्या नोटिस किया? नहीं सर, लेकिन आप सर लेकिन मैंने डेड ट्री जरूर देखा था, जो ट्री मतलब मुरझा गया जिसमें कोई एक भी पत्ता वत्ता नहीं हो, बस पूरा वो मर ही गया है, बस थोड़ा सा जान बाकी है उसमें, ऐसा ट्री देखा है। ओ नाइस, ये भी इंटरेस्टिंग इमेज है, इसको करते हैं। चलो इसको करते हैं, एक ऐसा ट्री बनाते हैं जिसमें थोड़ी सी जान बाकी है, बस मर ही गया है वो ट्री, बचा नहीं है, थोड़ी सी जान बाकी है उसके अंदर। लेट्स डू इट, करते हैं, सब करते हैं, इंटरेस्टिंग इमेज बनेगी इसकी। चलो पत्ते अत्ते भी उसके झड़ गए हैं सारे, और बिल्कुल खत्म होने वाला है, बिल्कुल खत्म होने वाला है, जैसे अभी बारहवीं ने बताया, और कहीं ना कहीं वो डेड ट्री की तरह है, एक तरह से मरा हुआ पेड़, जैसे काट के अलग कर देते हैं। सर हाफ डेड? हाँ हाफ डेड या ऑलमोस्ट डेड कह सकते हैं। हाँ बनाओ, कैसे बनाओगे दिखाओ, शो मी। रुबीना सज्जाद करो बेटा, बैठो मत, ये काफी इंटरेस्टिंग इमेज बनेगी है। अफरीन सोचो, सोचो इस पहले, इमेजिन करो कैसा होगा, अगर उसमें इमोशंस होते तो कैसा होता वो, उसको हुआ क्या है, वो ऑलमोस्ट डेड ट्री क्यों है वो, थिंक। सोचो क्या क्या हो सकता है, फ्लोर यूज कर सकते हो आप, लेट सकते हो, झुक सकते हो, क्या आपको काटा गया है या आप अपने आप ही मरने के कगार पे आ गए हो। वन निकिता करो बेटा, निकिता वन टू थ्री फोर फाइव, आराध्या आप भी करिए बेटा, आराध्या सिक्स सेवन एट नाइन टेन, फ्रीज फ्रीज, लता बैसाखी संजय बारवी मोहित गुड, वेरी नाइस ओके, ठीक है, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। तो दो चीजें हैं, एक आपका ऑब्जर्वेशन बहुत काम आता है, ऑब्जर्वेशन है ना, हम जो चीजें देखते हैं फिर थोड़ा हम आइडिया भी लगाते हैं ना, उसको कंपेयर भी करते हैं, कहना ये ऐसा क्यों है, अच्छा ये ऐसा इसलिए होगा, ये ट्री से मरी गया है, जैसे कि मैंने तो ये वाली बात बोली भी नहीं थी, बारबी ने अपनी बातों में बताया, अपने अनुभव जो उसने देखा था उसमें बताया है ना। किसी किसी और ने कभी ऐसा ट्री देखा था कि जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डेड लगा आपको या मरा हुआ लगा ट्री, खत्म, किसी ने देखा था? सज्जाद ने देखा था, संजय ओके, हाँ बताइए आप बताइए, श्रीवस्ती आप बताइए क्या देखा था आपने? सर मैंने वो मींस डेड ट्री दिखा था, वो उसमें एक भी पत्ते नहीं थे, वो उसकी जान जाने वाली थी, दो तीन दिन में उसकी जान जाने वाली थी, वैसा ट्री दिखा था। आपको पता था दो तीन दिन में उसकी जान चली जाएगी? नो सर, वो ऐसा ही दिख रहा था, ऐसा लग रहा था आपको। ओके संजय बताओ,
ये सब अच्छी ऑब्जर्वेशन है, ये बहुत कमाल की ऑब्जर्वेशन है। हाँ बताओ संजय। हाँ सर मैंने एक ट्री देखा था। उसको पास कर लो। हाँ सर मैंने एक ट्री देखा था। और जो सर ऑलमोस्ट डेड था उसके सारे पत्ते झड़ गए थे, बट कहीं कहीं पर उसके पत्ते थे जो कि हरे भरे थे, नए नए थे, और आधा उसका जो पार्ट था वो पूरा सूख चुका था, थोड़ा बहुत कहीं कहीं था। तो डेड ट्री ऐसा भी हो सकता है कि कहीं से तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल खत्म, और कहीं कहीं उसमें जान बाकी है, ये भी एक इमेज हो सकती है। ठीक है, हाँ सज्जाद आप बताओ। सज्जाद। यस सर, मैंने मतलब जिस दिन पहले ही देखा। बताओ आराम से बोलो सज्जाद, तुम आप आना आराम से बोला करो, आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो, आराम से बोला करो, सांस लो आराम से बोलो। हाँ सर, मैंने मतलब जिस दिन पहले ही देखा था कि जो ट्री था ना उसका मतलब 90% वो सूख गया था, और जो उसका नीचे से एक जो मतलब पेड़ का जो होता है ना तना, उसमें मतलब कुछ पत्ते लगे हुए थे जो मतलब जिंदा मतलब हरे भरे थे, बाकी पूरा पेड़ सूख गया था, उसके मतलब पत्ते भी झड़ गए। ओके 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 ओके। किसने ऐसा ट्री देखा था कभी कि जो बहुत हरा भरा है, खुश लगता है, ये ट्री बहुत खुश होगा, ये ट्री बहुत हैप्पी होगा। बारबी प्रशंसा। ओके प्रशंसा बताओ। प्रशंसा सर, ये हरे भरे एकदम हरे भरे पेड़ तो हमें आसपास दिखते ही रहते हैं, पर एकदम न्यू पेड़ भी मैंने देखा है जिसमें एकदम भरे हुए पत्ते, मतलब वो एक देखने से ही पता चलता है कि बहुत हैप्पी है। कि अगर कोई पेड़ एकदम सूखा है तो देखने से ही पता चलता है वो बहुत सैड है, किसी कारण वो पूरा सैड होकर इसलिए मुरझा गया है। तो मैंने जो हाँ हाँ बोलो 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 प्रशंसा बोलो कंप्लीट करो। मैंने हरा भरा पेड़ देखा था वो तो पूरा देखने से ही लगता था कि उसको बहुत अच्छी ग्रोथ मिली है, इसलिए वो बहुत हैप्पी है। ओके ठीक है। ओके श्रावस्ती आप बोलिए। यस सर, मैंने एक हरा भरा पूरा उसमें वो बड़ा था बहुत ही, और उसमें हरे भरे पत्ते पूरे लगे थे वो देखा, मुझे पता मींस वो भूल गए सर। अच्छा भूल गए आप, ओके ठीक है। ओके इस बारे में मैम का भी एक संजय बताइए, पहले बताइए। सर हमारे घर सर घर के सामने बहुत सारे नीम के पेड़ हैं, तो एक नीम का पेड़ बहुत ज्यादा ही फैला है, बहुत हरे भरे अभी अभी पत्ते आए ना, तो बहुत अच्छा दिखता है। ओके तो सर ओके, यही था। ओके ठीक है। लता आप बताइए, आप बोल रहे थे लता, आपका अनुभव। सर मेरे घर के सामने ट्री है एक, क्योंकि सर अभी बारिश हुई है ना, देख के ऐसे फील आ रहा है कि मतलब बहुत खुश है, लाइक अच्छी फीलिंग आ रही है सर देख के, हरा हरा बिल्कुल खिला हुआ है। उसका असर हमारे मानसिक उस पे भी पड़ता है ना, हमारे मन पे भी उसका असर पड़ता है। हाँ ओके ठीक है। तो इस बारे में ना एक मैम का भी अनुभव है, तो वो भी एक छोटा सा हम पहले इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, फिर मैम से बात करेंगे, है ना। तो जैसे आपने बात की एक ऐसा पेड़ है जो सैड है, जो दुखी है या ऑलमोस्ट डेड हो रहा है, इसको हम लेके आते हैं इंसान, एक इंसान की कंडीशन से उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं, मैं किसी को भी करने के लिए बोल दूंगा। एक आदमी है जो बहुत बूढ़ा हो चुका है, ठीक है, उसके शरीर में ज्यादा जान नहीं है, वो ज्यादा बोल भी नहीं बोल पाता है, बोलता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बोल पाता, ठीक है, और वो अकेला है, उसका कोई नहीं है दुनिया में। कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे रोड पर, मंदिरों के आसपास, है ना। आप ऐसा इमेजिन करो कि ऐसा इंसान है एक, जो आपको देख के लगता है कि वो सैड है, वो दुखी है, वो परेशान है। अब क्यों परेशान है, उसकी लाइफ में क्या हुआ, वो हम इम्प्रोवाइजेशन में देखेंगे। ठीक है, तो एक आदमी है जो ऐसा बैठा हुआ है, और एक बच्चा आता है उसके पास में, लड़का या लड़की आती है, और वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि वो आदमी क्या बताता है। वो आपको इमेजिन करना पड़ेगा उसके साथ क्या हुआ है, और बच्चा क्यों इतना जानना चाहता है उसको देख करके।
जो ट्री वाली सिचुएशन थी ना उसको हम इंसानों में वापस ले आते हैं। समझ में आया? समझ में आया? ओके, सो लता को दूंगा जानबूझ के ये मैं काम, क्योंकि लता आपको आराम से धीरे बोलना है। आप वो लेडी हैं या आप वो लेडी हो सकती हैं, आदमी या औरत कोई भी हो सकता है, आप वो औरत हैं जो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, शायद ज्यादा बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, ठीक है, और देखने से लगता है कि वो सैड है, ठीक है, और आपके साथ में इम्प्रोवाइज करेंगे बारबी। बारबी ने देखा इस इंसान को तो उसके मन में कुछ आया कि मैं इनको जानूं, उनसे बात करूं कि ये इतने परेशान क्यों है, ये सिचुएशन है, ठीक है बारबी। बाकी हम सब देखते हैं कि ये लोग क्या निकालते हैं। तो लक्ष्मण बारबी को एंड लता को पिन कर देते हैं ताकि सब लोग उनको देख पाए। हाँ बारबी आप म्यूट हैं, चलिए शुरू करो। हाँ आपके मन में ख्याल आया ना कि ये क्या है, और लता आपको मैं बोल रहा हूँ आपको आराम से बोलना है, आपको जल्दी जल्दी नहीं बोलना है, जैसे आप बोलते हो बिल्कुल नहीं बोलना, ये मैं जानबूझ के आपको दे रहा हूँ, ध्यान रखना। बात करो बारबी, बात करो उनसे, बात करो, फोन के पास रहो। सुनिए दादी, 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 आपको दादी आपने ये बात सुन रहे हैं? दादी आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ नहीं बेटा, तो तुम मेरे साइड में आके थोड़ा बैठो। थोड़ा जल्दी बोलिए बेटा। कुछ नहीं, तुम जहाँ जा रहे थे वहां जाओ। सर मेरे यहाँ लता दीदी की आवाज नहीं आ रही, वो थोड़ा धीरे अच्छा बोलो, थोड़ा तेज लेकिन फास्ट नहीं बोलना लता, फास्ट नहीं बोलना, बोलो तेज। सर? हाँ 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 बोल रही है, बोल रही है, बोल रही है, बोल रही है। सर सर आपकी भी आवाज नहीं आ रही यहाँ। सर क्या मैं डिस्कनेक्ट होके फिर से रिजॉइन करूँ? आप रिजॉइन करिए तब तक हम किसी और से करवाते हैं, ठीक है, रिजॉइन करिए आप, आपकी आवाज कट रही है। ओके प्लीज क्या आप चैट पे लिख सकते हैं, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। ओके लक्ष्मण बोल दो उसको यारा, मैं मोहित आप आ जाओ। यस सर अब आ गया, सर अब आया, आ गया। यस सर लता कुछ बोलो आप। बारबी यस अब आ गया। कंटिन्यू चलो। दादी आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? आपको डर नहीं लगता? मैंने सुना है वो जो बंगला है ना उधर, उधर एक भयानक चुड़ैल रहती है। वो मम्मी ने बताया था, वो थोड़ी बूढ़ी है, उसके बाल सफेद है और उसकी कमर थोड़ी झुकी हुई है। आपने देखा उसे? मैंने तो
नहीं दे। वैसे आपको कभी गांव पे नहीं देखा, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं इस गांव में न्यू हूँ बेटा। तुम इस गांव का हो ना? क्या तुम इस गांव में रहते हो ना? हाँ मैं तो हूँ, मेरा घर तबेला आप देख रहे हैं, मैं उधर रहता हूँ। मैं उस मैदान पर अपने दोस्तों के साथ खेलना था, मेरा बॉल यहाँ खो गया तो मुझे मिल नहीं रहा। लेकिन आप यहाँ क्यों बैठी हुई है? आपका कोई नहीं है? नहीं बेटा कोई नहीं। नहीं? आपका कोई पोता नहीं है मेरी तरह? मेरी भी दादी है एक, मुझसे बहुत प्यार करती है। आपसे थोड़ी, आपसे थोड़ा तेज बोलती है, आप इतना धीरे क्यों बोलती है? तुम्हें तुम्हारी दादी बहुत ज्यादा प्यार करती है ना? हाँ कभी कभी दांत लगाती है लेकिन प्यार करती है। तुम मेरे पास आओ जरा यहाँ पे। मम्मी ने कहा है किसी भी अनजान से बात नहीं करनी चाहिए। वैसे मैंने आपसे बात की, अगर किसी को भी पता चला ना तो मम्मी मुझे बहुत मारेगी। आप मत बनाना ठीक है मम्मी को? मैं तो तुम्हारी मम्मी को जानती भी नहीं हूँ, मैं कहाँ से बता दूंगी उन्हें। अरे हाँ आप तुम्हें जानती भी नहीं है। वो तो मैं तुम्हें इसलिए अपने पास बिठा रही थी क्योंकि तुम्हारे जैसे मेरे घर में भी एक मेरा पोता है। तो आप उसे यहाँ क्यों नहीं बुलाती? हम साथ में okay. मिलकर खेलेंगे मेरा। ओके 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 वेट 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 सरस्वती आप ट्राई करो, आप ट्राई करो, आप आंटी से बात करने ट्राई करो। चलो सर। बेटा आप, आपको ट्राई करना है, बात करना है आंटी जी से, लता दीदी से। आपने देखा ना अभी सिंह कैसे किया बारू भी आना है, वैसे आपको भी ट्राई करना है ठीक है। चलिए दादी, दादी आपको मेरी आवाज आ रही है? दादी हाँ, बोलो क्या बोला है? आप यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा थक गई थी तो सोचा बैठ जाती हूँ बस, और कुछ नहीं। आपको इस गांव में कभी देखा नहीं, आप पहली बार आए क्या? हाँ मैं इधर से ही जा रही थी तो आप लोगों के गांव में रुक गई, बस बैठ गई, थोड़ा थक गई थी इसलिए। अच्छा पर आप यहाँ क्यों बैठी है? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम्हें घर नहीं जाना? बस यहाँ खेल रही थी मैं, बाद में जा रही थी, मैं खेल रही थी यहाँ मेरे फ्रेंड के साथ। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पे खेल लो, मेरी छोड़ दो, मैं यहाँ ठीक हूँ। पर आप, आपका कोई नहीं है क्या? है बेटा, है बहू है, तुम्हारे जैसी मेरे घर में दो दो मेरी पोती भी है। बट तुम जाओ, वो तुम्हें बुला रहे हैं खेलने के लिए। ठीक है। Nice, very good, very good, very nice. एकदम real था, better, लता, काफी better. जैसे आप बोलती हो normally, हर improvisation में चीखती हो, चिल्लाती हो, जल्दी जल्दी बोलती हो, उससे different किया आपने ये. अच्छा था ये, ठीक है? तो जब भी मौका मिलता है तो अलग अलग रोल अलग अलग तरह करने की कोशिश किया करो. श्रावस्ती आपने ही बहुत अच्छा किया, बहुत क्यों अच्छे से आपने अच्छे से किया. ओके ओके इसी चीज यश आप ट्राई करोगे? चलिए अब कुछ अलग बात करनी है, अलग बात करनी है. और दादी जो है लता नहीं है, दादी जो है अब प्रशंसा आप बनोगे? हाँ
हाँ चलिए ट्राई करिए, ट्राई करिए, डरो मत, करते करते ही आएगा, ठीक है। चलिए यश बात करेंगे प्रशंसा से, तो प्रशंसा को और यश को पिंग कर देते हैं ताकि सब लोग देख पाए। हाँ जी आप शुरू करोगे यश? ओके चलो। दादी आपने यहाँ पे कोई बॉल बैटमैन देखी है? नहीं बेटा मैंने यहाँ कोई बॉल नहीं देखी है। दादी आप यहाँ पे क्यों बैठे? आप तो अलग अलग रहे हो, आपको कभी देखा नहीं। हाँ बेटा मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, मैं चलते चलते थक गई थी इसीलिए सोचा यहाँ आराम कर लूँ थोड़ा। अच्छा पानी पीने मिलेगा बेटा? हाँ दादी लीजिए। अगर दिया है उसने, अगर दिया है उसने ऐसे करके तो आप भी हाथ आगे लाओ ना तो और असली लगेगा। नहीं आपने पीछे किया, आपको भी ऐसे करना चाहिए। अभी हम कैमरे पे कर रहे हैं, अगर आप ऐसे करते तो ऐसा लगता सच में आपने ले लिया है ना। हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। और आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं बेटा बहुत बीमार थे ना इसीलिए। ओके 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 वेट 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 मोहित, अब आप वो आदमी हो, ये जो बूढ़ा इंसान मैंने बताया ना आपको, ठीक है मोहित, जो पहले लता कर रही थी वो रोल अब आप कर रहे हो। ओके और देखते हैं कि कौन कौन आपसे बात कर सकता है बच्चा बनके, कौन बात करना चाहेगा। पर जो बातें हम कर चुके हैं वैसे नहीं, नए तरीके से। वो कोई अंकल कोई बाबा है जो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं मंदिर के आसपास कहीं, ठीक है, और बहुत धीरे से आराम से बोलते हैं बाबा, जल्दी जल्दी नहीं बोलते, काफी एज है इनकी, ठीक है। कौन ट्राई करेगा? प्रशंसा ने बोला है और किसी ने नहीं बोला है, नाइस। ओके आफरीन ने बोला है, ठीक है आफरीन आप ट्राई करो। आफरीन, आफरीन को पिंग कर देते हैं और मोहित को पिंग कर देते हैं। लक्ष्मण सिचुएशन के हिसाब से मोहित एंड आफरीन, लक्ष्मण आफरीन को और मोहित को पिंग कर देते हैं। लक्ष्मण आपको आवाज आ रही है? लक्ष्मण सर मैं कर रही हूँ। ओ सॉरी मैम, ठीक है नहीं कोई बात नहीं सर, पता नहीं शायद कर। लक्ष्मण क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? मोहित और आफरीन को ना। हाँ जी हाँ जी आवाज आ रही मेरी? हाँ अभी कोई नहीं, ठीक है। प्रशंसा को हटा दूँ ना? हाँ जी मैम, हाँ जी हाँ जी। मोहित एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। हाँ जी बोलो मोहित, मोहित बोलो। जो बाबा है वो कम बोलता है और एज्ड है ज्यादा। हाँ और वो बहुत ऐसा लगता है जैसे हमने पेड़ की बात की थी ना अभी, जो ऑलमोस्ट डेड है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, वो कंडीशन है इंसान की, ठीक है। उसको उसको दुनिया से ज्यादा प्यार नहीं मिला, किसी ने ख्याल नहीं रखा या प्यार नहीं मिला, ये सब हो सकता है बैक स्टोरी में, ठीक है। चलो आफरीन शुरू करो, मैं मोहित को भी करना था नहीं तो ये लोग। सर मैं करके गई थी, किसने रिमूव कर दिया? भैया टीम वाले क्या कर रहे हो? लक्ष्मण मोहित को करना है, मोहित को आफरीन को, ठीक है। ये यश कहाँ से आ गया? सोन क्या कर रहे हो बेटा? अभी तक मैंने किसी को नहीं किया स्पॉटलाइट। अरे कौन कर रहा है? तो कोई तो कर रहा है हम में से ही जो कोस्ट है। आगे अब आफरीन ही के साथ कौन किस पर यस को करना मुझे। हां कर दिया मैं। चलिए चलिए आफरीन एंड आफरीन एंड मोहित शुरू करिए। आफरीन आप शुरू करिए। बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा कुछ नहीं बेटा,
तुम कौन हो बेटा? मैं इस गांव में रहती हूँ बाबा। अच्छा बेटा, प्रसाद खाओगे बेटा? नहीं बाबा। लो बेटा, प्रसाद को मना नहीं करते, भगवान का प्रसाद है बेटा। ठीक है। सदा सुखी रहो। बात करो आफरीन, आगे और बात करो। बाबा आप कहाँ रहते हो, आपका घर कहाँ है? यही रहता हूँ बेटा, इस पेड़ की छांव में ही रहता हूँ। मैंने कभी आपको देखा नहीं बेटा। मैं यहाँ नहीं रहता, ख्यालों में रहता हूँ बेटा। मैं अपने किसी को दिखाई नहीं। ओके वेट, मोहित मोहित थोड़ा रियल करो, रियल करो, रियल। अभी ना ऐसे लगता है जामुन के बूढ़ा बन रहा है, फील करो कि आप हो इंसान, रियल रियल नहीं हो रहा अभी। अभी थोड़ा सा बनावटी सा लग रहा है कि अरे बेटा मैं यहाँ रहता हूँ, बेटा नहीं मैं यहाँ रहता हूँ। एकदम बिल्कुल नेचुरल करने की कोशिश करो, ठीक है? लक्ष्मण 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 अब कर दो, अब लता को लास्ट, लता ट्राई करेगी। लता कम ऑन, आप बात करोगे बाबा से? बाबा मोहित रहेगा, आफरीन को उठा कर रिमूव कर दो। हाँ जी, लता को ऐड कर दो। लता आपका चांस। एक बच्ची है जो एक किसी बाबा को देख करके क्यूरियस हो जाती है उनके बारे में जानने के लिए। अब क्या होगा कि मोहित बुलाएगा, इधर आ ये बच्ची, इधर आ, मोहित शुरू करेगा। चलो अरे ओ बिटिया बिटिया, ए बिटिया, इधर आओ, इधर आवा बिटिया। अरे बाबा बोलो। हाँ आई हूँ, आप बोलो तो। तुम्हारी मम्मी कहाँ है बिटिया? अरे बाबा कैसे बात कर रहे हो, मम्मी घर पे होंगे ना? ये बताओ आप यहाँ पे क्यों बैठी हुई हो, इतना धूप है बट यहाँ तो छाव है। हाँ आप यहाँ बैठी क्यों है अकेले अकेले? बेटा मेरा तुम्हारे जैसा कोई घर नहीं है ना। क्या छोड़ बिटिया, प्रसाद खाओगे बिटिया? नहीं मैं हाँ खाऊंगी, बट आप बताइए कि आपका घर क्यों नहीं है, आपका घर होता है फिर आपका क्यों नहीं है? बिटिया तुम नहीं समझोगे बिटिया, छोड़ो। अरे अगर नहीं समझूंगी तो समझाओ ना, मैं समझ जाऊंगी। बिटिया ये प्रसाद खाओ तो तुम नहीं, छोड़ो। नहीं 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 पहले आप बताएंगे कि आपका घर क्यों नहीं है या आप कहाँ पे रहते हो, मुझे जानना है। अच्छा बिटिया ठीक है, पहले तुम मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रिया है, और आपका नाम क्या है? अरे वाह रिया, बड़ा ही सुंदर नाम है। लेकिन बिटिया तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? सवाल पूछे जा रहे हो, मैंने पूछा आपसे कि आपका नाम क्या, आपने तो बताया ही नहीं। तुम मुझे बाबा कहकर ही पुकारो बिटिया, मेरा नाम बाबा ही है, सब मुझे बाबा ही बुलाते हैं। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आपको बाबा कहकर ही बुला लूंगी। हाँ आप प्रसाद की बात कर रहे थे ना, आप प्रसाद मंदिर आए थे क्या आप? हाँ बिटिया रोज सुबह शाम जाता हूँ, ये लो प्रसाद। आप ना मुझे भी लेके जाया करो, मैं भी जब भी मम्मी से बोलती हूँ ना कि मम्मी मुझे भी मंदिर जाना है, आपके साथ मम्मी लेके ही नहीं जाते हैं। अरे बिटिया तुम बोलती बहुत हो। ओके 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 ओके, एंड 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 थोड़ा सा बेटर हुआ है, लेकिन और रियल कर सकते हैं इसको मोहित, और नेचुरल रियल कर सकते हैं, ठीक है?
थोड़ा ऑब्जर्व करना लोगों को, जो थोड़े बूढ़े लोग होते हैं सर मंदिर के आसपास या रोड साइड में देखते हैं, कभी मौका मिलेगा तो ऑब्जर्व करना, ठीक है? वो ऐसे बिटिया बिटिया तो बोल सकते हैं बट कुछ बनावटी नहीं होता, एकदम रियल, वो हमको ऑब्जर्व करना है, ठीक है? ठीक है मैम, आप कुछ बता रही थी, वो बताइए आप बच्चों को जो आपने कहा एक्सरसाइज के बारे में। कोचिंग का हमारी जब ट्रेनिंग होती है तो हमारे को एक्सरसाइज होती है कि हमें जो एनवायरनमेंट में सब चीजें है ना उनके साथ हमें इन्वॉल्व होकर काम करना होता है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो उसमें एक एक्सरसाइज थी जिसमें हमें कोई भी एक ट्री को चूज करना था और उसको हमें हग करके हमें फील करना था कि हाउ द ट्री इज फीलिंग, कि उसके ब्रांचेस जैसे हैं या उसका जो ट्रंक है उसको फील करके हमें ये फील करना था कि वो क्या फील कर रहा है। और सच्ची में मतलब आफ्टर फ्यू मिनट्स जब हम हग करके रहे, पहले तो ऐसा लग रहा था कि कुछ हो नहीं पाएगा, सब फालतू सा है, लेकिन आफ्टर फ्यू मिनट्स वाकई में हमें फील होने लगा कि ट्री क्या फील कर रहा है, कि वो कितना लोनली है या वो हैप्पी है या वो क्या फील कर रहा है, या उसका जो भी टेक्सचर है वो टेक्सचर ऐसा है तो वो क्यों है। तो इतना रियलिटी आया उसके बाद कि ऐसा लग रहा था कि वाह कि हमसे बातें कर रहे हैं ये ट्री, बहुत बातें करते हैं। और फिर हमारी एक उसके बाद एक एक्सरसाइज थी जब हमें हमें ये बताना था, गुस्सा निकालना था ट्री के ऊपर, जो भी हमें इरिटेशन था, मतलब हम किसी और पे तो निकाल नहीं सकते हैं, तो ट्री पर हमें अपना गुस्सा निकालना था। तो ट्री पर निकालने के लिए पहले हमने उसकी परमिशन ली कि क्या हम आप पर गुस्सा निकाल सकते हैं, और हम रियली सॉरी कि वी आर गोइंग टू हर्ट यू आउट, कि हम आप पर गुस्सा निकालेंगे। उसके बाद जो है मतलब ऐसा लगा कि ये है हमारा, और अगर हम बिना परमिशन के रोज रोज जाकर कर्स करें या फिर हम दुखी हों ट्री के सामने तो वो सूख जाते हैं। तो और ये तो रिसर्च भी हुई है कि एक ट्री के सामने रोज जाके गालियां देते थे और एक ट्री के सामने जाकर प्यार से बातें करते थे, तो जिसके सामने गालियां देते थे वो सूख गया था कुछ दिनों में, और जिसके सामने जाकर बात करते थे उसमें खूब पेड़ पौधे मतलब उसमें खूब फल निकल आए थे और वो बहुत खुश रहने लगा। तो मतलब व्हेन लाइक अस, हम जब ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, तो दे आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग। मॉर्निंग में रिवर्स होता है, इवनिंग में रात को हमारे जैसा हो जाते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब एक प्रोसेस सेम है तो वो वाकई में होता है। तो ये जो एक्सरसाइज है ना मुझे एकदम से याद आ गया, हुआ याद आ गया हाँ, कि ऐसे हमारे साथ भी हुआ था और बहुत एक बहुत बहुत शानदार एक फीलिंग थी। Okay. मुझे भी अच्छा लगा कि बच्चों ने ना मतलब थोड़ी से थोड़े ज्यादा जो कर चुके होते हैं थोड़े मैच्योर के साथ में इस तरीके एक्सरसाइज करते हैं, उम्मीद है ठीक है ट्राई करते हैं किस हद तक कर पाते हैं ये। सो आप लोगों ने जो पकड़ा ना कि वो ऐसा है क्योंकि वो मुरझा गया उसके अंदर कुछ नहीं है, आपने इमोशंस फिर भी बहुत हद तक समझे कि अगर मुरझाया तो क्यों होगा, अगर हैप्पी है तो क्यों होगा, कैसा होगा, कहीं ना कहीं आपका अच्छा ऑब्जर्वेशन है और आप अच्छा सोचते हो। मैं बच्चों को बता रहा हूँ आप लोगों को कि अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका, कई लोग नहीं समझ पाते ये चीजें कि पेड़ी तो है ये क्या है, ये क्या होगा सैड और ये क्या होगा हैप्पी, पर आप लोगों ने ये एक्सरसाइज अगर आप सर बड़ों के साथ कराएंगे ना तो उनको बहुत मुश्किल से समझ में आएगी, लेकिन बच्चे इतने भोले होते हैं कि वो लोग आराम से उस चीज पर विश्वास कर लेते हैं, तो वो बड़े अच्छे से उस चीज को करते हैं। पहले बड़े तो पहले सोचेंगे मैं पेड़ क्यों बनूं, मैं ऐसे क्यों सोचू, वो अपनी समझ एक्सपीरियंस हावी हो जाता है। कई बार हमको लर्न करके अनलर्न करना होता है, भूलना होता है चीजों को, वो बहुत जरूरी है। या जब भी किसी ट्रेनिंग में बैठते हैं कुछ भी, तो मतलब ये दिमाग से निकाल के बैठे हैं कि आपको कुछ पता है, ये बैठना चाहिए कि आपको कुछ नहीं आता और आप यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग, तभी आप कुछ सीख सकते हो। नहीं तो आप अपना दिमाग लगाते रहेंगे ये तो ऐसा होता है वो तो ऐसा होता है वहां पे ऐसा किया था, और फिर बहस भी होती है कि इतनी ज्यादा उसमें, इसलिए एडोलेसेंस वाली जो एज होती है वो इसलिए इतनी ज्यादा बहस करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमें तो बहुत कुछ पता है और मम्मी पापा जो बोल रहे हैं या टीचर्स बोल रहे हैं इन्हें तो आता नहीं है कुछ, क्योंकि वो उनकी लर्निंग वो मिड वाली लर्निंग होती है।
ओके थैंक यू। ये अच्छा मुझे एक्चुअली इस तरह से नहीं पता था, हम लोग भी करते हैं अपने लेवल पे।